यस पापा करके एक फिल्म आई है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक वाली फिल्म है। इट इज़ अ शॉकिंग, क्योंकि एक लड़की अपने पापा का मर्डर कर देती है। ऐसी केस उस पर है, क्योंकि उसके पापा उसके साथ, अब समझ जाओ, बाकी तो होशियार हो आप। तो इट्स अ वेरी शॉकिंग एंड बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी, ऐसा भी बोला जा रहा है मेकर्स की तरफ से। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक और सीरियस टॉपिक है ये तो। एंड एक्चुअली ये ज़्यादा जगह पे रिलीज़ हुई ही नहीं फिल्म। तो अब आपको अगर मैं इस फिल्म के बारे में इन शॉर्ट बताऊँ, कि टॉपिक तो मैंने बता दिया, अब ये है कि आपको फिल्म इस क्यों देखनी चाहिए यही मैं बताऊँगा। तो एक ही बात कहूँगा कि भाई देखो, क्या वो लड़की सच बोल रही थी, क्या उसके पास कोई दूसरा रीज़न था उनको मारने का, या फिर वो झूठ बोल रही थी या सच बोल रही थी, और उसने ये किया तो ऐसा कौन सा स्पेशल रीज़न था, या जो वो बोल रही है उसकी कहानी सच है। इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पे ये फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है, बहुत सी जगह पे इसके कोई भी शोज़ नहीं है। मैंने एक दो ट्विटर रिव्यूज़ देखे जिसमें इसको अच्छे खासे रिव्यूज़ मिले, पर उन्होंने भी ये बोला है कि हर जगह पर इसका शो आपको देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि बहुत सी जगह पर इन लोगों ने रिव्यू और मतलब एक तरीके से रिलीज़ ही नहीं की है फिल्म। तो इट इज़ अ शॉकिंग, और हमारे यहाँ पे भी रिलीज़ नहीं हुई है। अब दो तीन लोगों ने मुझे रिकमेंड करने को बोला, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अगर आपके यहाँ पे रिलीज़ हुई है फिल्म तो ज़रूर जाके देखिए यार। इट्स अ वेरी शॉकिंग, आई मीन जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था, बहुत ही ट्रेलर भी बहुत ही यार डेंजरस है। मतलब डेंजरस इन द सेंस कि आप समझ जाओगे यार, जाके देखिए ट्रेलर और बाद में बताइए आपको ये फिल्म देखनी चाहिए या नहीं। मैं तो एक ही बात कहूँगा, अगर आपके यहाँ पे रिलीज़ हुई है तो यार जाके देखिए ये फिल्म सच में। या इट्स अ मस्ट वॉच फिल्म।